बीजेपी ने आदिशी को भेजा मान हानि का नोटिस, कहा बीजेपी में शामिल होने के ऑफर का सबूत दे। क्या आदिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर पड़ी भारी? क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अब आदिशी की है बारी? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। आप मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। साथ ही उनको कहा गया था कि भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक करियर बचा लो, अन्यथा महीने भर में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में उनके आवास, रिश्तेदारों एवं परिवार वालों के घर रेड होगी और समन भेजे जाएंगे। लेकिन आतिशी का बीजेपी पर आरोप लगाना महंगा साबित हो गया। आतिशी के पीसी के बाद बीजेपी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया। आपको बता दें, इस बात की जानकारी दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है। हम उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार उन्हें जवाब देना होगा। आतिशी के बयान पर हमने कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं। हमने उन्हें माफी मांगने का समय दिया था, अब वह समय खत्म हो चुका है और उन्हें मानहानि का नोटिस दिया गया है। उन्हें इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और अगर उनका जवाब नहीं आया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, वह झूठ बोल रही है और उनके आरोप निराधार है और झूठ बोलना आपकी आदत है, लेकिन हमने उन्हें माफी मांगने के लिए समय दिया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसलिए हमने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया है। खैर, आपको बता दें, आतिशी ने मंगलवार को पीसी में कहा था कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले आपके चार और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। उनके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा को उम्मीद थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप टूट जाएगी, लेकिन रामलीला मैदान की रैली और 10 दिन के सड़क पर आपके संघर्ष के बाद भाजपा को लगता है कि चार और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार करने की जरूरत है। लेकिन हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम केजरीवाल के सिपाही हैं। आपके नेता कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता आपको खत्म करना चाहते हैं। भाजपा भले ही आपके एक एक विधायक एवं कार्यकर्ता को जेल में डाल दे, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह 10 और लोग केजरीवाल की लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आ जाएंगे। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब मंत्री आतिशी मानहानि के आरोप में जेल जा सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।